हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रिवर्स फॉर स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग एंड स्टार्ट स्टॉप ट्रिप इंडिकेटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं जहां पर भी हमें कोई मोटर को फॉरवर्ड एंड रिवर्स दैट मीन्स दोनों डायरेक्शन में जहां भी रन करना होता है वहां पर हम नॉर्मली रिवर्स फॉर स्टार्टर कनेक्ट करते हैं। तो इसकी कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी हम समझने वाले हैं एवं इसके लिए स्टार्ट स्टॉप एंड ट्रिप इंडिकेटर कनेक्शन किस तरह होगा यह भी हम देखने वाले हैं। बेसिकली हमें स्टार्ट के लिए दो इंडिकेटर लगाना होगा, एक स्टार्ट फॉरवर्ड के लिए, दैट मीन्स हमारी मोटर जब फॉरवर्ड में रन करे तो इंडिकेटर ग्लो होना चाहिए, और फॉरवर्ड रिवर्स के स्टार्ट रिवर्स के लिए, दैट मीन्स हमारी मोटर जब रिवर्स में रन करे तब इस इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए। तो चलिए इनका इंडिकेटर का कनेक्शन किस तरह होगा यह भी हम सीखने वाले। सबसे पहले हम यह सीख लेते हैं इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स के हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो डेट में समय इसमें दो कॉन्टेक्टर लगाना होगे, एक फॉरवर्ड के लिए एक रिवर्स के लिए, इसके अलावा एक ओवरलोड रिले, एक टू पोल कंट्रोल एमसीबी, एक स्टॉप एनसी पुश बटन और एक स्टार्ट एनओ फॉरवर्ड पुश बटन और एक रिवर्स एनओ पुश बटन। बेसिकली कंट्रोल वायरिंग के लिए हम इन कंपोनेंट्स के रिक्वायरमेंट होने वाली है। बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो 220 वोल्ट के हैं और जो इंडिकेटर हम यूज़ करने वाले हैं वो 220 वोल्ट के हिसाब से हम इसमें कंट्रोल वायरिंग करने वाले हैं। चलिए कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो कंट्रोल एमसीबी यहाँ पे फेज और न्यूट्रल हम ले आते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। तो न्यूट्रल हमें कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करना है, कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड के A1 में और रिवर्स के A1 में। इसके अलावा जो हमारे इंडिकेटर है ये भी 220 वोल्ट के है, तो यहाँ भी हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो पहले हम यहाँ न्यूट्रल लेते हैं और इसे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 में कनेक्ट कर देते हैं, और यहीं से एक लूपिंग कनेक्ट कर हमारे जो रिवर्स कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से हम चारों इंडिकेटर में कनेक्ट कर देते हैं, न्यूट्रल सबसे पहले स्टॉप में, फिर स्टार्ट फॉरवर्ड में, उसके बाद स्टार्ट रिवर्स में और ट्रिप इंडिकेटर, दैट मीन्स चारों इंडिकेटर में हमने अभी न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। अब फेज की वायरिंग किस तरह की जाएगी चलिए समझ लेते हैं। हमारे जो कंट्रोल एमसीबी से जो फेज आता है, नॉर्मली जो फेज की वायरिंग होती है हम नॉर्मली जो ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ताकि जैसे ही हमारी मोटर ज़्यादा करंट ले और ट्रिप हो तो ये एनसी जो है वो एनओ बन जाए और हमारी मोटर का स्टार्टर ट्रिप हो जाए और हमारी मोटर प्रोटेक्ट रहे। चलिए एनसी का जो आउटपुट होगा वह जाएगा हमारा स्टॉप पुश बटन एनसी टर्मिनल एनसी पुश बटन में, एनसी पुश बटन का जो आउटपुट होगा वो फॉरवर्ड के एनओ पुश बटन में। यहीं से इनकमिंग से हम एक और वायर लेंगे और इसे ले जाकर हम कनेक्ट कर देंगे रिवर्स के लिए जो पुश बटन होने वाला है वहाँ पर। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह हमारा स्टार्टर की वर्किंग वायरिंग की जाएगी। सबसे पहले जैसे ही हम इस फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करें तो हमारे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, बट इसमें हम इंटरलॉकिंग करते हैं एट ए टाइम, या तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा या रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा। तो इंटरलॉकिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे कॉन्टेक्टर का एनसी टर्मिनल यूज़ करते हैं। यदि फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट कर रहे हैं तो रिवर्स का एनसी यूज़ करेंगे, यदि रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट कर रहे हैं तो फॉरवर्ड का एनसी हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इंटरलॉकिंग के लिए। चलिए फॉरवर्ड को हमें ऑपरेट करना है इस पुश बटन से, तो यहाँ की जो सप्लाई होगी इंटरलॉकिंग के लिए जाएगी रिवर्स के एनसी में, और रिवर्स का जो एनसी की सप्लाई होगी यह जाके हमारे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल को ऑपरेट करेगी। तो जस्ट सिंपल था, इंटरलॉकिंग करते हुए हमने फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया है। इसी तरह हमें रिवर्स के पुश बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी और ये फॉरवर्ड के एनसी से होते हुए रिवर्स को ऑपरेट करेगी। जस्ट यहाँ पर भी हमने सिंपल सी इंटरलॉकिंग की है, दैट मीन्स अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, इंटरलॉकिंग करते हुए फॉरवर्ड एंड रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया है। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो उतनी देर के लिए ऑपरेट होगा जितनी देर के लिए हम पुश बटन प्रेस करते हैं। तो इसके लिए हम इसको यदि चाहते हैं कि परमानेंट ऑपरेट रहे तो इसके लिए हमें इसमें होल्डिंग कनेक्ट करना होती है। तो होल्ड डाउन सप्लाई किस तरह दी जाती है चलिए और व्यू के लिए समझ लेते हैं। तो होल्डिंग की सप्लाई हम क्या करते हैं, जो कॉइल की जो सप्लाई होती है यहीं से एक वायर लूपिंग कनेक्ट करते हैं और उसे हमारे कॉन्टेक्टर के एनओ में कनेक्ट कर देते हैं। किस तरह होल्डिंग मिलेगी यह भी हम समझेंगे। पहले इसी तरह हम रिवर्स के लिए इसमें भी एक लूपिंग लेते हैं और उसे ले जाके हम रिवर्स कॉन्टेक्टर का जो एनओ टर्मिनल है यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। अब होगा क्या, किस तरह हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो एनओ का आउटपुट होगा वहाँ पर हमें ऐसी जगह से सप्लाई ले जाना है जहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई आ रही है। तो हम क्या करते हैं, एनसी का जो आउटपुट होता है यहाँ से या एनओ के इनपुट होता है नॉर्मली यहीं से हम होल्डिंग लेते हैं। तो ये होल्डिंग लेने के लिए यहाँ पर हम एक लूपिंग कनेक्ट करते हैं। देखिए ये लूपिंग कनेक्ट की, इसे ले जाकर हमारा जो कॉन्टेक्टर का एनो टर्मिनल है यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के लिए होल्डिंग सप्लाई हो गई है। अब हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट कैसे होगा समझ लेते हैं। देखिए जैसे ही हमने पुश बटन प्रेस किया तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में सप्लाई आएगी, यहाँ से इस एनओ में सप्लाई आएगी, और जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये एनओ एनसी बनेगा और यहाँ पे हमने कंटिन्यू सप्लाई देके रखी है, तो ये एनओ एनसी बन जाएगा, सप्लाई यहाँ पे आएगी और हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो परमानेंट ऑपरेट हो जाएगा। तो ये जस्ट हमारे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में हमने होल्डिंग दिया है। अब हम रिवर्स कॉन्टेक्टर में होल्डिंग कैसे देंगे, तो इसी तरह देंगे, हमने एनओ में वायर कनेक्ट करके रखा है, यही होल्डिंग सप्लाई को हम यहाँ से उठाएंगे और इसे
जो कॉन्टेक्टर का एनो टर्मिनल है यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे दोनों कॉन्टेक्टर में होल्डिंग एक से ही हमने दी है। जैसे ही रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा इस पुश बटन से, इसकी सप्लाई यहाँ पे आएगी, यहाँ से एनो में आएगी, एनो एनसी बनेगा और जो हमने डायरेक्ट सप्लाई होल्डिंग देके रखी है वो यहाँ पे आके हमारे कॉन्टेक्टर को परमानेंटली ऑपरेट कर देगी। तो ये तो जस्ट हुआ हमने रिवर्स फॉर स्टार्टर को, जस्ट सिंपल इसकी कंट्रोल वायरिंग हुई है। अब इसके लिए स्टॉप स्टार्ट एंड ट्रिप इंडिकेटर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हमें कॉन्टेक्टर में एक एनो और एक एनसी की और रिक्वायरमेंट है। बेसिकली एक एनो और एक एनो एनसी, वन एनो एंड वन एनसी हम यूज़ कर चुके हैं, बट वन एनो एंड वन एनसी की हमें और रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए हमें इसमें क्या कनेक्ट करना होगा, एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट करना होगा। तो हम एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए पहले फॉरवर्ड पर कनेक्ट किया, यहाँ पर से एड ऑन ब्लॉक में हमारे पास दो एनो और दो एनसी है। तो ये वाला पॉइंट एनो पॉइंट है, यह वाला पॉइंट एनो पॉइंट है और सेंटर के दोनों पॉइंट हमारे एनसी पॉइंट है। इसी तरह रिवर्स कॉन्टेक्टर में भी हम कनेक्ट कर लेते हैं, यह है एनो पॉइंट है, ये एनो पॉइंट है और सेंटर के दोनों पॉइंट एनसी पॉइंट है। चलिए सबसे पहले स्टॉप इंडिकेटर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टॉप इंडिकेटर को समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी होल्डिंग सप्लाई है इसे ले जाके एड ऑन ब्लॉक के एनसी टर्मिनल में कनेक्ट किया है। देखिए जब कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी ये सप्लाई जाएगी, ध्यान रखिए जब कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी ये सप्लाई जाएगी। तो एनो का जो आउटपुट होगा जब कॉन्टेक्टर स्टॉप है तो सप्लाई यहाँ पे निकलेगी और यहाँ से जाएगी हमारे जो रिवर्स कॉन्टेक्टर है उसके एनसी टर्मिनल में, क्योंकि हमारा कोई भी यदि कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है, फॉरवर्ड हो चाहे रिवर्स हो, कोई भी एक कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है तो स्टॉप इंडिकेटर ने ग्लो नहीं करना चाहिए। स्टॉप इंडिकेटर तभी चलेगा तब दोनों कॉन्टेक्टर हमारे स्टॉप कंडीशन में रहेंगे। तो इसका एनसी हम रिवर्स के एनसी से घुमाते हुए, देखिए इसका एनसी हम रिवर्स के एनसी से घुमाते हुए हमारा स्टॉप इंडिकेटर में सप्लाई देंगे। देखिए अब सपोज हमारा रिवर्स ऑन है तो यहाँ से सप्लाई कट जाएगी और हमारा इंडिकेटर स्टॉप हो जाएगा। यदि फॉरवर्ड ऑपरेट है तो यहाँ से सप्लाई कट जाएगी और हमारा इंडिकेटर स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स कोई भी कॉन्टेक्टर यदि ऑपरेट हुआ तो हमारी सप्लाई कट जाएगी और हमारा स्टॉप इंडिकेटर ग्लो नहीं होगा। चलिए तो स्टॉप इंडिकेटर की वायरिंग हुई, अब स्टार्ट फॉरवर्ड इंडिकेटर की वायरिंग किस तरह होगी समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का एनो टर्मिनल यूज़ करना होगा एड ऑन ब्लॉक में। तो यहाँ से हम एक सप्लाई कनेक्ट करते हैं, इसे एनो में कनेक्ट की है। अब कॉन्टेक्टर एनो ऑपरेट कब होगा, देखिए जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तब यहाँ से सप्लाई निकलेगी। जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो हमारे फॉरवर्ड के इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए। तो जैसे ही फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो इस एनओ की सप्लाई यहाँ से निकलेगी, ये एनसी पॉइंट बन जाएगा और यहाँ से जाकर हमारे स्टार्ट फॉरवर्ड इंडिकेटर को ग्लो करेगी। दैट मीन्स जब हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा तब यह इंडिकेटर ग्लो होगा। अब हम चाहते हैं स्टार्ट रिवर्स, दैट मीन्स जब हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे तब रिवर्स इंडिकेटर ने ग्लो होना चाहिए। तो हम यहाँ से एक लूपिंग, जो एनओ टर्मिनल हमने यूज़ किया था होल्डिंग सप्लाई के लिए, यहाँ से एक सप्लाई लेंगे, होल्डिंग के सप्लाई लेंगे और यहाँ से हम लेंगे जो एनो टर्मिनल है एडोसिस का, इसके एनो से हम लेते हुए एक वायर ले जाके स्टार्ट रिवर्स इंडिकेटर को ग्लो कर देंगे। जब हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा तब रिवर्स इंडिकेटर हमारा ये ग्लो होगा, जैसे ही स्टॉप होगा तो यह भी स्टॉप हो जाएगा। चलिए अब ट्रिप इंडिकेटर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। तो ट्रिप इंडिकेटर का कनेक्शन करने के लिए हम ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है जब हमारा मोटर ओवरलोड होती है तो जो एनो होता है वो एनसी होता है। बट ध्यान रखने वाली बात है कि जब हमारी मोटर ओवरलोड होगी तभी ये पॉइंट ऑपरेट होगा, आप इसे मैनुअली ऑपरेट नहीं कर सकते। देखिए जब हमारी मोटर ओवरलोड हुई तो इसका जो कॉमन हमें जो एनो होगा वो एनसी होगा और हमारे ट्रिप इंडिकेटर को ग्लो करेगा। अभी हम यहाँ से सप्लाई कहाँ से ले, तो हम ये सप्लाई भी ले सकते हैं जो होल्डिंग की हमने ली थी, बट हम हमारे पास एनसी में भी सप्लाई कंटिन्यू आ रही है। तो ओवरलोड रिले के एनसी से हमने एक लूपिंग यहाँ पे कनेक्ट की है। देखिए ओवरलोड रिले के एनसी से एक वायर हमने एनो में कनेक्ट की है। अब जैसे ही हमारा जब स्टार्टर ट्रिप होगा तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी इसके एनो के आउटपुट से, क्योंकि ये एनसी बन जाएगा और यहाँ से ये जाके हमारे ट्रिप इंडिकेटर को ग्लो करेगा। तो इस तरह आप रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग भी कर सकते हैं एंड स्टार्ट स्टॉप ट्रिप इंडिकेटर कनेक्शन भी कर सकते हैं। आई होप आपको इसका कनेक्शन समझ में आया हो। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए या वीडियो को आप पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।